मैं भी चौकीदार अभियान के तहत आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से सीधे संवाद करेंगे और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली से। किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा कि भ्रष्टाचार काले धन को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेगा कैंपेन इस वक्त ये देखने को मिल रहा है, बीजेपी का मैं भी चौकीदार कैंपेन, जिसके तहत आज देश भर के लोगों से सीधे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। तो है मुझे वो क्या मुझे बहकाएंगे, झूठ के कपाल पे मैं सत्य का प्रहार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार अब नहीं सहूंगा, हाँ मैं चुप नहीं रहूंगा, भारतीय का लाल हूँ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चहेते विधान चौकीदार लोकप्रिय विधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवी और सज्जनों, हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि मैं भी चौकीदार अभियान में करोड़ों लोग शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, जिस दिन से यह अभियान शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ट्रेंड कर रहा है। इस नई आइडिया ने, इस नए सोच ने, इस नई अप्रोच ने मानो पूरे देश को अपने रंग में रंग डाला है। हमारे दिल दिमाग पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस अभियान ने धूम मचा रखी है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हैशटैग मैं भी चौकीदार अभियान के 1680 करोड़ इंप्रेशन हुए हैं। ट्विटर पे इस हैशटैग को 30 लाख बार ट्वीट किया गया है। इस अभियान के वीडियो को 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों ने ऑनलाइन देखा है। नमो ऐप और सोशल मीडिया पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं भी चौकीदार। 500 से भी ज्यादा लोकेशन से आज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ये जन आंदोलन कैसे पैदा हुआ, कैसे उभरा, हमें किसने प्रेरित किया, हमें किसने इंस्पायर किया? जी हाँ, हमारे लोकप्रिय, हमारे चहेते, दूरदर्शी, शक्तिशाली, विश्वख्याति प्रांत विकास पुरुष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड बाय एग्जाम्पल के जीते जागती मिसाल हैं। ये सर की बातों से, उनके विचारों से, उनके बर्ताव से
हम इंस्पायर होते हैं, हम प्रेरित होते हैं। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने भारत से गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गंदगी हटाने के लिए 24/7 काम किया है, जी तोड़ मेहनत करी है। पिछले 5 सालों में इन्होंने अपना हर दिन, अपनी हर रात देश की सेवा में न्यौछावर की है। देश के दुश्मनों को करारा जवाब देकर इन्होंने हम सभी भारतवासियों को सिर उठा के जीने का मौका दिया है, सुरक्षित माहौल में जीने का मौका दिया है। जी हाँ, सही मायनों में प्रधान चौकीदार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के, क्योंकि नहीं झुका करते हैं दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को जो देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी पहनी आंख भविष्य का तमचीर, हम हैं इनके साथ खड़े क्योंकि ये सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे सभा को सर प्लीज संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश भर के चौकीदारों को मेरा नमस्कार। आज देश भर में करीब 500 से अधिक स्थानों पर इसी प्रकार से देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले, देश के सम्मान में ही अपना गर्व अनुभव करने वाले लाखों लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे मिलने का आज सौभाग्य मिला है। टीवी चैनलों के माध्यम से भी देश के करोड़ों परिवारों के साथ जो आज अपने घर में होंगे उनसे भी संवाद करने का मुझे सौभाग्य मिला है। चुनाव की गर्माहट में एक ऐसा अवसर है जिस पर सबकी निगाहें होना बड़ा स्वाभाविक है। ২০১৩-১৪ में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैं देश के लिए नया था, एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरी थोड़ी बहुत पहचान थी, ज्यादातर मेरे आलोचकों ने मेरी प्रसिद्धि ज्यादा की थी, और मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्हीं के कारण देश में मेरे विषय में एक जिज्ञासा पैदा हुई थी कि आखिर इंसान है कौन। देश में तो अनेक मुख्यमंत्री हैं लेकिन ये क्या चीज है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, तो एक जिज्ञासा पैदा हुई थी। और जिज्ञासा के बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया और मुझे देश के हर कोने में जाने की नौबत आई। तब मेरे मन में जरूर विचार आया कि मैं लोगों से क्या कहूंगा, और तब जाकर के मैंने उनसे कहा था कि आप विश्वास रखिए, आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब कि आप एक चौकीदार बिठा रहे हैं।
और एक चौकीदार के रूप में मैं इस दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूं। और तब मैंने कहा था कि देश का सामान्य मानवी देश के लिए टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धन राशि देता है और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। एक चौकीदार के रूप में मैं मेरी जिम्मेवारी निभाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों की बौद्धिक मर्यादाएं रहती है, उनका ज्यादा विकास होता नहीं है और जिनकी बौद्धिक मर्यादाएं होती हैं उनकी सोच भी बड़ी मर्यादित होती है, तो उनका दिमाग में चौकीदार का मतलब टोपी पहनी है, यूनिफॉर्म पहना है, व्हीसल बजा रहा है, डंडा लेकर के ठोक रहा है, ये उनकी सोचने की मर्यादा का परिणाम है। चौकीदार ये न कोई व्यवस्था है, चौकीदार ये न कोई यूनिफॉर्म की पहचान है, चौकीदार न ही कोई एक चौखट में बंधा हुआ है, चौकीदार एक स्पिरिट है, एक भावना है। महात्मा गांधी कहा करते थे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। गांधी जी कह रहे थे कि जो भी हमें दायित्व तो मिला है, जिन चीजों को हम संभालते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो समय हो, चाहे व्यवस्थाएं हो, हमें एक ट्रस्टी के रूप में ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसके ट्रस्टी हैं, हमें उसको संभालना चाहिए, गांधी जी ये कहते थे। अब आज गांधी जी तो है नहीं, लेकिन उनकी बातें, उनके आदर्श हम सबके लिए प्रेरणा है। लेकिन समयानुकूल शब्दों में बदलाव आता है, स्पिरिट वही रहता है। मेरे लिए चौकीदार ये महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है, उसी की एक छोटी सी पहचान है। और इस अर्थ में और इसलिए यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, देश के कोने कोने में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो गांव में है वो भी, जो शहर में है वो भी, जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो अनपढ़ है वो भी, जो पुरुष है वो भी, जो महिला है वो भी, जो खेत में काम करता है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो शिक्षक है वो भी, समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो, कामगार हो, हर कोई चौकीदार है। और ये भाव जितना प्रबल होगा,
125 करोड़ देशवासियों की ये जो भावना है, ये जितनी प्रबल बनेगी, आप मुझे बताइए कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या? कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या? देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या? हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा, नहीं निभाएगा? एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा? और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया और 125 करोड़ देशवासियों ने इतना भरपूर प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, इतना विश्वास दिया कि मैंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं है। और आज 2019 के चुनाव हर कोई मैदान में है, मतदाता बड़ी बारीकी से देख रहा है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। देश की जनता को राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं है, देश की जनता को हुक्मरानों की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे खुशी है कि चौकीदार का भाव निरंतर विस्तार होता जा रहा है। आज मैं हर प्रकार से अपने जीवन में एक चौकीदार के तरह काम करने वाले आप सबको मेरे सामने जब देख रहा हूं, और हिंदुस्तान के 500 से अधिक जगह पर इस एक भाव से जो लोग जुटे हैं उनको मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आज कुछ आपसे बातें करूं, आपसे संवाद करूं और हम आगे का समय बातचीत में बिताएं। सर, आपके विचारों को सुनने के बाद जिस वजह से हम सभी, मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े थे, वह वजह और भी मजबूत हो गई है। सर, हमारे पास लाखों सवाल आए हैं, हम सभी उत्सुक हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। लाखों लाखों सवाल आए हैं देश भर से। आइए सवाल जवाब का ये सिलसिला हम शुरू करें। पहला सवाल यही तालकटोरा स्टेडियम में बैठी एक चौकीदार हमसे पूछेंगी। अब अपना सवाल पूछ सकती है। जी हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में बैठी चौकीदार जो है वो अपना पहला सवाल सर से पूछेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपूर्वा ठाकुर, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन, आशंका या डिलेमा नहीं है और इसका पूर्ण श्रेय जाता है आपको। आपने जिस प्रकार यूथ को एम्पावर किया है, मोटिवेट किया है, इससे हमारे समक्ष एक रास्ता खुल गया है अपने भविष्य को लेकर के। मैं नमो ऐप को नियमित रूप से प्रयोग करती हूँ और जब मैं भी चौकीदार इवेंट के लिए रजिस्टर किया था तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज आपके समक्ष खड़े होकर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए, इस व्यवस्था के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज एक आम नागरिक भी अपने प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी आप जीतेंगे और इस बार जब आप शपथ लेंगे तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी हम चौकीदारों से क्या अपेक्षा है, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक सामान्य नागरिक के दिल की बात को बोला है और आपने बड़े विश्वास से कहा है कि देश की जनता
फिर से एक बार देश की सेवा करने का मौका हमें देने वाली है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के युवा दूर का देखते हैं। हम राजनेता तो अभी 1 तारीख को 11 तारीख को पोलिंग होगा तब क्या होगा, 21 तारीख को पोलिंग होगा तो क्या होगा, उसी में दिल लगे पड़े हैं। आपस में रही है ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, इसकी अपनी एक ताकत होती है। और इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इन सब के ओर से, सामान्य जनता से जो आपने सुना है, मेट्रो में जाते आते लोगों से बात की, उसके आधार पर आपने कहा है। जब मैं शपथ लूंगा, वो शपथ अकेला मोदी नहीं लेने वाला है। ₹130 करोड़ हिंदुस्तानी लेने वाले हैं। और सबसे बड़ा शपथ होता है हम अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करेंगे। हम अपने अधिकारों के लिए जागृत होंगे ही होंगे, लेकिन अपने कर्तव्य में कभी भी कोताही नहीं बरतेंगे। एक टीचर अपना कर्तव्य निभाता है तो विद्यार्थी का और देश का भविष्य बदल जाता है। एक पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभाता है तो समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। और उस अर्थ में हमारे देश में पिछले 5 साल जो मुझे सफलता मिली है, उसका मूल कारण जन भागीदारी है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज स्वच्छता ये आंदोलन मोदी का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का बन गया। और ये हब आप चौकीदार बने तभी हुआ है, और ये बिना शपथ लिए हुआ है। अगर इस बार आप शपथ लेके करोगे तो पता नहीं परिणाम कितना बड़ा आएगा। हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और होने भी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन हम तय करें कि सबसे ऊपर देश। आप देखिए, सारी समस्याओं का समाधान हम खुद ही अपना आप निकाल देंगे। मैं फिर एक बार आपका आभारी हूं। अगला सवाल हम लेंगे मुंबई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अगला सवाल मुंबई महाराष्ट्र से। सवाल पूछिए भैया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी को हमारा नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। मैं सीए अजय दवे हूं। मुंबई मध्ये आपला स्वागत आहे। धन्यवाद। एक धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो उद्योग और अर्थतंत्र व्यवस्था के लिए जो कानून और व्यवस्था में जो बदलाव लाए हो, जीएसटी, डिमोनिटाइजेशन, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम से लेके बैंक्रप्सी कोड, सब
सबसे आज भारतीय उद्योग को एक नियमबद्ध तरीके से प्रगति करने की सुविधा हो गई है और पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी इस कानूनी व्यवस्था में बदलाव लाने से जो क्लैरिटी आई है उद्योगों को, आज सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक चौकीदार के रूप में सेवा करने में सुविधा भी मिल गई है। तो धन्यवाद। प्रश्न सर, सर हमारा प्रश्न ये है सर, बालाकोट में जो आपने करके दिखाया वो गजब हो गया और सबका गर्व, सबका सीना गर्व से फूल गया है। मित्र परिवार सबको एक गर्व की भावना है और पूरे देश में आज एक ऐसा लग रहा है कि सालों बाद किसी ने भारत का दम दिखाया। सर मेरा प्रश्न है, थोड़ा व्यक्तिगत होगा आप एक तरीके से, सर दो चीज बताइए। पहला, आपको ये फैसला लेने में ताकत कहां से मिली? और दूसरा, आपके मन में क्या ये विचार आया एक क्षण के लिए भी कि यदि इस ऑपरेशन में कोई चूक हो जाती तो आपके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? धन्यवाद सर। दवे जी, एक तो दवे जी आपने अपना बात की शुरुआत में किया कि बालाकोट मैंने किया। जी नहीं, बालाकोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है। हमारे सुरक्षा बलों ने किया है और ये सबसे पहले हम सब की तरफ से उनको सैल्यूट। जहां तक निर्णय का सवाल है, देखिए इस देश में आपने ढेर सारे प्रधानमंत्री या देखे हैं या उनके विषय में सुना है, और कई लोग उस समय भी जब 2014 का चुनाव था प्रधानमंत्री की कतार में खड़े थे। आज लाइन थोड़ी लंबी हो गई है। अगर मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो मोदी नहीं होता। अगर यही राजनीतिक पैंतरेबाजी से देश चलाना होता, नफा नुकसान का हिसाब करके देश चलाना होता, अपने राजनीतिक हित, अपनी राजनीतिक भलाई, उसी को लेकर के अगर निर्णय करने होते तो मोदी की इस देश में प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं, 70 साल तक चलाया है, मेरे जैसे व्यक्ति क्या जरूरत है? और इसलिए मेरे लिए देश सबसे ऊपर होता है। 125 करोड़ देशवासी मेरे लिए सबसे ऊपर होते हैं। और मेरा है क्या? आगे पीछे कोई चिंता नहीं रखी है। दूसरा, मुझ जैसे राष्ट्रीय राजनीति में अनजान व्यक्ति को 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। हमारे राजनीतिक दलों को भी पता नहीं है, ये दुर्भाग्य है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये अपने आप में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है।
आज दुनिया में भी हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है, उसका कारण मोदी है। उससे ज्यादा ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं, और तब जाकर के बराबरी की बात होती है। तीसरी बात, ये निर्णय मैं इसलिए कर पाया, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है, उन्हें छूट दे पाया। इसलिए कारण यह कि मुझे उनकी डिसिप्लिन में भरोसा है कि वो कभी वैसा काम कभी नहीं करेंगे जिसके कारण मेरे देश को नीचा देखने की नौबत आए। इसलिए उनके सामर्थ्य पर भरोसा और उनके डिसिप्लिन पर विश्वास, इसके कारण उनके हाथ में इतना बड़ा निर्णय देने की मुझ में ताकत थी। अब इसके पीछे मेरी विचार प्रक्रिया क्या है, हो सकता है शायद दवे यही जानना चाहते हो। देखिए, ये आतंकवाद से हम 40 साल से पीड़ित हैं। कौन ये पाप करता है सारी दुनिया को पता है, रिमोट कंट्रोल कहां है सबको मालूम है, आतंकवादियों के आका कहां बैठे हैं सबको मालूम है, और वे आए मारे चले जाए, मुंबई में आए अनेक लोगों को मार के चले जाए, उरी में आए। अब मुझे बताइए, हमारे सेना के जवान रोज लड़ रहे हैं, थोड़ा सा पता चले इस कोने में है तो पहुंच जाते हैं, और सुबह टीवी चालू करो पता चल रहा है हाँ वहां चल रही है गोलियां, वो हिम्मत के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? और तब मैंने तय किया कि अब ये जहां से कंट्रोल होता है खेल वहीं खेला जाएगा। अब मैदान उन्हीं का होगा। और आतंकवाद, और मुझे सबसे बड़ी बात, कभी कभी ये हमारे देश के भी कुछ बड़े बुद्धिमान लोग जो चर्चा करते हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि उनको हो क्या गया है। आखिर पाकिस्तान बालाकोट की घटना, उसके बाद भी उसके तो अभी भी उनके एयर स्पेस शायद अब खोलना शुरू किया है, 1.5 महीना हो गया, अब उनको लगा है शायद मोदी चुनाव में बिजी हो गया है तो शायद कुछ करेगा नहीं, मेरे लिए चुनाव प्रायोरिटी नहीं है जी, देश प्रायोरिटी है। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी मुसीबत है कि अगर वो कहे हाँ बालाकोट में कुछ हुआ था, तो इसका मतलब स्वीकार करना पड़ेगा उनको कि हाँ टेररिस्टों का कैंप चलता था। आज तक वो दुनिया को कहते आए हैं कि हमारे यहां कुछ नहीं है, हमने ऐसी जगह पे वार कर दिया कि अब उनको उसको छुपा रहना ही बनता नहीं है। आपने देखा हो, 1.5 महीना हो गया किसी को जाने नहीं देते, और हमें कुछ लोग बताते हैं कि फिर से उस सारे इलाके को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और उसको एक ऐसा रूप दिया जा रहा है वहां बच्चों का स्कूल चल रहा है।
ताकि दुनिया को ले जाकर के दिखाया जाए कि वहां कभी टेररिस्ट कैंप था ही नहीं। लेकिन अब वैसी जगह पे वार हुआ है, इसके कारण ये सिद्ध हो चुका है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चलते थे और इसी ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशानी, कितने लोग मरे उससे नहीं है, वो तो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं, उनके परेशानी इस बात की है कि इससे थप्पा पक्का लग रहा है कि टेररिस्टों का कैंप यहां चलता था। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मोदी को गाली देने में जो उत्साही लोग हैं वो वहां पाकिस्तान की अपने बयानों से मदद कर रहे हैं। सर, अगला सवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। अगला सवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जी हाँ, हम कनेक्टेड हैं। ग्वालियर नमस्कार, शुरू कीजिए। हाँ ग्वालियर, हाँ मौजूद है, सवाल पूछिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ सवाल पूछिए, देश पूरा इंतजार कर रहा है ग्वालियर को सुनने के लिए। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सवाल पूछने वालों से मेरी प्रार्थना है कि औरों का समय खराब हो रहा है, बहुत जल्दी आप अपना काम पूरा कीजिए। माननीय हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। सादर नमस्कार करती हूँ। मैं शकुंतला सिंह परिहार ग्वालियर से एक शिक्षिका हूँ। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नव निर्माण भारत की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे भ्रष्टाचार को लेकर है। पूरा देश, हमारा पूरा देश भ्रष्टाचार में लिप्त था। आपके आने से पहले भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त था। आज देश संतुष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा लिया गया, निर्णय लिया गया है। आज देश ये चाहता है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम उन्हें जेल में देखें। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कितना कड़ा निर्णय लेंगे, प्लीज आप आंसर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, आप बैठिए। और मैं समझता हूँ शिक्षक बड़ा चौकीदार होता है, आने वाली पीढ़ियों की भी वो चौकी करता है, और इसलिए मैं ऐसे चौकीदार को यहां से नमस्कार करता हूं। आपका गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं।
कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं, 2019 के बाद ये जो भाग जा रहे भागते हैं ना, उनको भी यही कारण है, डर लग रहा है। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते, ऐसा हम उनको महल। तो मैंने कहा जाओ कोर्ट में बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या, अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था, मैं उनको उससे कोई अच्छी जेल थोड़ी दूंगा। देखिए, पैसे लौटाना ही पड़ रहे हैं, जो पैसे गए कानून बनाए हमने, 9,000 करोड़ रुपया का घपला किया, 14,000 करोड़ तो सरकार के कब्जे में है, ऑप्शन होता चला जा रहा है, ये सब का दुनिया के किसी भी कोने में उनकी प्रॉपर्टी होगी, ये जब्त होके रहेगी। और कभी न कभी हिंदुस्तान के कानून के शरण उनको भी आना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जो पहले खबरें क्या आती थी कि फलाने अफसर के यहां बिस्तर के नीचे से नोटों का बंडल निकालते थे कि नहीं आते थे, अब बंद हो गया। पहले जितने लोग टैक्स देते थे आज उससे करीब करीब डबल हो गए। हर एक को लगता है भाई ईमानदारी का माहौल बन रहा है, चलो हम भी ईमानदारी से चले। तो हमारे दो प्रकार से काम है, एक ईमानदारों को पुरस्कृत करना, ईमानदारों को प्रोत्साहित करना, ईमानदारी का सम्मान बढ़ाना, उनका मान सम्मान बढ़ाने की हमारे यहां परंपरा ही नहीं रही है। आपने देखा उस बार बजट में हमने ऑफिशियली पार्लियामेंट के फ्लोर पर टैक्स पेयर का धन्यवाद किया है, इनका गौरव करना चाहिए। हम उनको नीचा दिखा करके चाहे कि देश चले तो कैसे चलेगा भाई, अनाप शराप गालियां देकर के हम उनको परेशान करेंगे तो क्या होगा, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। मेरे लिए टैक्स पेयर देश के गरीबों की सेवा करने के लिए वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ईमानदारी से अदा कर रहा है, उसका मान सम्मान गौरव एक रास्ता। दूसरा, जो गलत करता है वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और ये कानून बनाए हैं, व्यवस्था बनाई है, लोगों को लगाया है, ये तो किया है, लेकिन जब पता चलता है कि ऊपर गड़बड़ नहीं है तो फिर नीचे ठीक होना शुरू हो जाता है, वरना तो रस्ते चलता है, 5 रुपया किसी का मारेगा तो भी कहेगा ऊपर पहुंचाना है, और किसी को लगता है ऊपर यानी पीएम को पहुंचाता होगा। लेकिन अब देश को पता है कि ऊपर कोई लेने वाला रह नहीं, तो नीचे देने वाला भी बंद हो गया। लेकिन इसको विस्तार से हम बहुत कुछ बातें कह सकते हैं, मैं आपका समय लेता नहीं हूं। देश के सामान्य मानवीय की अपेक्षा है कि देश में लूटने वाले बचने नहीं चाहिए, और मैं वादा करता हूं इस काम को मैं करके रहूंगा। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूं। आज मैं भी चौकीदार नाम के इस कार्यक्रम में भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। श्री अमित शाह जी मौजूद हैं चांदनी चौक में, श्री सुषमा स्वराज जी मौजूद हैं वेस्ट दिल्ली में, श्री राजनाथ सिंह जी ईस्ट दिल्ली में, कई सारे नेता हमारे साथ बने हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। अगला सवाल हम लेंगे बेंगलुरु कर्नाटका से।
कनाडा नमस्कार। हाँ बेंगलुरु बताइए। आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, वो अपने आप नारा बंद करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। वर्षों से हम सुनते रहे कि भारत एक विकासशील देश है और मेरा प्रश्न है कि आपका नाम तो बता दीजिए। विकसित देशों में आपका आपका नाम क्या है? और मेरा नाम राकेश प्रसाद है। क्या करते हैं? बेंगलुरु से आईटी प्रोफेशनल हूँ सर। आईटी बताइए बताइए, मैंने पूरा सवाल पूछे समझा नहीं सर। मेरा प्रश्न है कि वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है, ऐसा समय कब आएगा कि हम भी विकसित देशों में गिने जाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल के लिए बधाई देता हूं। जब हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल में ये इच्छा जगती है, इसका मन में एक भाव जगता है कि भाई कब तक विकासशील, कभी तो विकास विकसित देश बनना चाहिए, और ये सवाल में वो एक इच्छा पड़ी है, आकांक्षा पड़ी है, और कर सके ऐसे व्यक्ति पे भरोसा भी पड़ा है। ये बात सही है कि बहुत देर हो चुकी है। देश आजाद होने के बाद हमने इसी मिजाज से भारत में जो आजादी का, देशभक्ति का जो माहौल था, उसको अगर इसी दिशा में चैनलाइज कर दिया होता, सही नेतृत्व दिया होता, तो हमारे पीछे कई देश हैं जो स्वतंत्र हुए छोटे देश थे, वे भी आज समृद्ध देशों की गिनती में आ गए हैं। भारत के पास समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इच्छा शक्ति और 125 करोड़ देशवासियों का सपना बनना चाहिए कि हाँ, अब हमें पिछड़े रहना नहीं है, हमें बैकवर्ड की गिनती में आना नहीं है। पिछले 5 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा कि आज दुनिया में जो भी निर्णय हो रहे हैं, उन निर्णयों में हमारी आवाज सुनाई दे रही है। 2014 में जब मैं आया तो विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 11 नंबर पे थे, और आप जानकर के हैरान होंगे कि जब हम 11 नंबर पर थे तो उस समय के वित्त मंत्री, पुरानी सरकार के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, उनको लगता है इस देश में उनकी बराबरी की बुद्धि वाला कोई है ही नहीं। उन्होंने 2014 के पहले बजट के समय पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था, और बड़ी खुशी व्यक्त की थी कि हिंदुस्तान ने गर्व करना चाहिए कि हम दुनिया की 11वीं नंबर की इकोनॉमी बन गए। मैंने कोई हल्ला नहीं किया, कोई ढोल नहीं पीटे, आज हम नंबर 6 पे आ गए। हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के क्लब में दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आजकल मैं राज्यों से जब बात करता हूं तो मैं राज्यों से पूछता हूं कि बताइए भाई, क्या कभी आपका राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का सपना देख सकता है क्या? इसके लिए आप क्या योजना करेंगे? एक देश में माहौल बनाया है मैंने, और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया।
अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। हम दुनिया की जो समृद्ध देश है, शक्ति है, उनके साथ जुड़े। अब देखिए, अभी हम स्पेस पावर बने। मुझे मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितने लोगों की घटना समझ आई है। अंतरिक्ष में जाकर के हमारे लोगों ने जो पराक्रम किया है, देश की ताकत बढ़ती है। देश के हमारे नौजवान ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेके आते हैं, देश की ताकत बढ़ती है। हिंदुस्तान के नोबेल प्राइज पाने वालों में संख्या बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में हमने वैश्विक जो मानदंड बने हैं उसमें अपनी जगह बनानी है, और हम उन सारे क्षेत्रों में एक साथ काम पे लगे हैं। और आप देखिए, भारत के पास सब कुछ है एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के, एक विकसित राष्ट्र के रूप में जगह पाने के लिए, एक डेवलप कंट्री के रूप में जगह पाने के लिए। और जब देश के सामान्य नागरिक के मन में सपना आता है, तब तो यह पक्का बनेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे साथ देश के कई सारे वरिष्ठ नेता बने हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, वो शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय रूपाणी जी गोधरा में, श्री मनोहर लाल खट्टर जी गुड़गांव में, श्री जयराम ठाकुर जी शिमला में, और श्री अर्जुन मुंडा जी झारखंड में। हमारे साथ ये सभी नेता बने हुए हैं। अगला सवाल आ रहा है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। हम कनेक्टेड हैं, और अपना सवाल पूछिए प्लीज। चित्तौड़गढ़ मैं राम सिंह राणावत चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। महाराणा प्रताप की नगरी चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा क्वेश्चन, जब आप मिशन शक्ति जब आप मिशन शक्ति की घोषणा कर रहे थे, तो हम इस तकनीकी के बारे में नहीं जानते थे। बाद में हमें पता चला ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस सरकार इसको इसकी आलोचना कर रही है, कह रही है कि ये इससे शक्ति तो हमारे पास पहले ही थी और इसको इतना नहीं बताना चाहिए था। थैंक यू। मैं जितना आपका सवाल समझ पाया, मूल आपका गुस्सा कांग्रेस के प्रति है। देखिए, बात सही है कि ये मिशन शक्ति अभी भी हमारे देश के, और ये तो चुनाव की गर्मी में बहुत ही अच्छी चीजें चुनाव के चश्मों से ही देखी जाती है, तब गड़बड़ हो जाती है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो सिद्धि हासिल की है, हर हिंदुस्तानी इसके लिए गर्व करेगा। दुनिया में हमारे पहले ये काम तीन देशों ने किया है, हम चौथे नंबर पे हैं, अमेरिका, रशिया और चीन। अब इसकी बारीकी देखिए, इसकी बारीकी देखिए। हिंदुस्तान से एक मिसाइल निकलती है, तीन मिनट में जाकर के अंतरिक्ष में करीब 300 किलोमीटर दूरी पर एक जीवित सैटेलाइट है, जो खुद भी भ्रमण कर रहा है, उसको जाकर के मार गिराता है। अब इसकी बारीकी देखिए, जो सैटेलाइट था वो करीब 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का था, और 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का इतना छोटा सा सैटेलाइट, उसकी स्पीड थी 1 सेकंड की 10 किलोमीटर की।
एक सेकंड की 10 किलोमीटर स्पीड से जा रहा था, यानी जैसे कि जी पंखी उड़ रहा है मारना है तो उसकी स्पीड भी तो 10 किलोमीटर नहीं होती है। यहां से हमारा जो सैटेलाइट गया, मिसाइल गई, उस मिसाइल की स्पीड भी करीब उसी के बराबर, एक सेकंड की 10 किलोमीटर की वहां पहुंचने के बाद। वो यहां से सैटेलाइट आ रहा था, ये यहां से जा रही थी, और ये सारी प्रक्रिया यहां से उसका निकलना और वहां सैटेलाइट से को खत्म करना, ये सारी क्रिया 3 मिनट में हुई। और आप हैरान हो गए जानकर के जो 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का जो सेंटर पॉइंट था, इससे मुश्किल से 2-3 सेंटीमीटर साइड में, ये बीच में बिल्कुल बिल्कुल बीच में जाकर के इसने वार किया और उस सैटेलाइट को उसने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। ये क्यों, क्या है ताकत? आज जो भी, अब जैसे मैं ये टेक्नोलॉजी से सबसे बात कर रहा हूं, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है, अंतरिक्ष का रोल है, इसमें सैटेलाइट का रोल है। आप घर में टीवी देखते हैं, सैटेलाइट का, मोबाइल फोन से बात करते हैं, सैटेलाइट का रोल है। अब भविष्य में दुनिया में वो ताकत बन गई है कि कोई अगर मान लीजिए अपनी ताकत से हमारा एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट गिरा दे तो हमारा तो देश ठप हो जाएगा, हमारे विमान नहीं उड़ेंगे, हमारी ट्रेन नहीं चलेगी, हमारा मोबाइल नहीं चलेगा, सब बंद हो सकता है, इतनी ताकत है। अब मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान ने इस चीज के लिए इंतजार करना चाहिए? हमारे साइंटिस्टों को भरोसा है, ज्ञान है, तो किसी ने हिम्मत करके निर्णय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने किया। दूसरी बात है, एक बुद्धिमान नेता कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सीक्रेट चीज है, हमारे पास थी लेकिन हमने सीक्रेट रखा था। आपके गले उतरता है बात? गले उतरता है? दूसरी बात है, जब अमेरिका ने डंके की चोट पर किया, चीन ने डंके की चोट पर किया, रशिया ने डंके की चोट पर किया, तो हमने गुपचुप गुपचुप करने की क्या जरूरत है? अच्छा, इनको साबु का उपयोग करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को साबु का उपयोग करना चाहिए, साबु यानी सामान्य बुद्धि। आज विश्व में अंतरिक्ष में आप कुछ भी करें, दुनिया इसको रिकॉर्ड कर सकती है, दुनिया उसको आसानी से देख सकती है, उसके लिए कोई स्पाईगिरी करने की जरूरत नहीं, वो नेचुरल प्रक्रिया है। क्या ये छुपा रहने वाला था क्या? अच्छा, आप टेस्ट न करो और कहते रहो मेरे में ताकत है तो पता कैसे चलेगा भाई? टेस्ट करना ही पड़ता है। अगर यही सच है तो हमने पोखरण 1, पोखरण 2 क्यों किया? करने के तुरंत बाद दुनिया को क्यों बताया? दुनिया को आपकी शक्ति का परिचय होना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने ये किसी दुश्मन देश के लिए बनाया नहीं है, ये हमने हमारी रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित किया और हम आगे भी करेंगे। और इसलिए ये शक्ति मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। लेकिन चूंकि मोदी प्रधानमंत्री है, इसके कालखंड में हो रहा है, तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, क्या करें भाई, इसका क्या उपाय? तो ये मुसीबत उनको मुबारक। अगला सवाल हम लेंगे आगरा उत्तर प्रदेश से। इस कार्यक्रम में वहां हमारे साथ मौजूद हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। हम कनेक्टेड हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, ओ
उत्तर प्रदेश को नमस्कार, जल्दी सवाल पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश वाल्मीकि है। मैं आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। हेलो। हाँ बोलिए वाल्मीकि जी, बोलिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार, मैंने सुना आप आगरा से हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि आपका नाम है, बताइए। सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस रोजाना नए झूठ बोलती है, रोजाना नए झूठ बोलती है, एक झूठ 100 बार बोलती है, और पिछले 5 सालों में उन्होंने झूठ ही बोला है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि उनका झूठ और भ्रम बोलने का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, इसको हम कैसे एक्सपोज करें? आपकी आपकी बात सही है कि इनका झूठ बोलने वालों को इकोसिस्टम की इतनी मदद मिलती है कि उनका झूठ बार बार गूंज रहता है। लेकिन उनके झूठ को समझने जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस का झूठ बड़ा सीजनल होता है, जैसे पतंग की सीजन आती है, पटाखे की सीजन आती है, उसी प्रकार से उनका सीजनल है। सीजन के हिसाब से वो झूठ प्रोडक्ट करते हैं, फिर मैदान में छोड़ते हैं और इनका इकोसिस्टम इसको उठाता है। ये बड़ा आपने देखा होगा कि जब यहां दिल्ली में चुनाव चल रहा था तब उन्होंने एक झूठ चला दिया। झूठ क्या था? चर्च पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे रह रहे असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस, आपने देखा होगा। जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए, इंटॉलरेंस भी समाप्त हो गया। इनका झूठा सही है। बिहार में चुनाव चल रहा था तो उन्होंने झूठ निकाला, मोदी आया है अब संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण ले लेगा, आरक्षण जाने वाला है, ये झूठ चलाया उन्होंने। बिहार का चुनाव तब तक झूठ चलाया, झूठ चलाया, बस वही कोई मुद्दा नहीं उठा। और उनके जो इकोसिस्टम है वो भी जा जाकर के लोगों के ही पूछने लग गए, कैसे भी करके खींचते रहते थे। पहली बार देश में आरक्षण हटाने की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान किया हो तो हमारी सरकार ने किया। संविधान के द्वारा ओबीसी को कमीशन बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें पार्लियामेंट में बिल लाए, दो दो तीन तीन सत्र तक उसको लटकाए रखा उन्होंने, लेकिन झूठ बोलते रहे। अभी पार्लियामेंट में हमें कानून लाए, संविधान में परिवर्तन किया, सामान्य वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण, और किसी का छीने बिना, समाज में कोई तनाव पैदा हुए बिना, न किसी के पुतले जले, न आग लगी, कुछ नहीं, प्रेम से समझौते से कर लिया हमने। और देश के सामान्य वर्ग के गरीब जो सालों से मांग कर रहे थे, उनको मान सम्मान करने का हमने काम कर दिया। लेकिन उन्होंने चलाया कि देखिए आरक्षण ले लेगा, आरक्षण ले लेगा। उसके बाद उन्होंने एक अवार्ड वापसी गैंग आई, कोई घटना हो गया है अवार्ड वापसी गैंग मैदान में आ जाती है। मैंने सरकार में पूछा यार क्या क्या वापिस आया जरा बताओ तो, अखबार में आता है, मैंने तो कहीं देखा नहीं, न उनको रुपये मिले हैं अवार्ड के साथ, वो भी वापस नहीं आए। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग, और जैसे ही कोई चुनाव या घटना पूरी हो गई वो अवार्ड वापसी गैंग फिर घर में जाके सो जाती है। यानी आपने देखा होगा हर बार उनके झूठ का
झूठ की उम्र भी ज्यादा नहीं है, उनके झूठ की उम्र ज्यादा नहीं है। कुछ झूठ तो ऐसे है कि बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन खींच खींच करके उसको लंबा कर रहे हैं। इस झूठ का जवाब आसान है, बहुत आसान है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच बताते चलो। आप सच बताते चलिए, सच की ताकत इतनी होती है कि उनका झूठ कभी नहीं टिक पाएगा। और सामान्य मानवी को समझाना चाहिए कि कितना झूठ बोलते हैं। अब उनके सिर्फ जो झूठ बोलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। तो झूठ बोलने के लिए भी कोई उनको पकड़ा देता है, जो उनकी फैक्ट्री है झूठ प्रोडक्ट करने वाली, वो पकड़ा देती कि इस बार इस झूठ को चलाइए, लेकिन मेमोरी का गड़बड़ होने के कारण ये फिर पकड़े जाते हैं। वरना अगर उनकी बातों में सच्चाई होती तो बार बार थोड़ा आंकड़े बदलने पड़ते हैं भाई। ये बार बार बदलना पड़ता है, उसका मात्र कारण ही है कि उनके भीतर इतना झूठ पड़ा हुआ है कि वो झूठ अभिव्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। और इसलिए सत्य के सहारे जीना है, सत्य के सहारे चलना है, जहां जाए वहां सत्य बोलना है। सत्य बोलने के लिए कोई आदमी नहीं रखना पड़ता है, जो दिल में हो निकलता है। आप वाल्मीकि जी हिम्मत के साथ सत्य बोलते चले जाइए, विजय आपकी निश्चित है। सरकारी दफ्तर में वो बड़े बन गए, बेटी पैदा नहीं हुई बड़ी बन गई, शादी हो गई वीडो हो गई, वीडो पेंशन जाना शुरू हो गया। तो समझा पा रहा हूं आपको, बच्चा पैदा नहीं हुआ स्कूल में दाखिल हो गया स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ मध्याह्न भोजन का खर्चा लगने लग गया। 8 करोड़ लोग अभी तक तो मेरे हाथ में आए हैं और करीब 1 करोड़ 15 लाख ये आधार में रकम चोरी होती थी। अब 1 लाख करोड़ रुपया करीब करीब इसी में चोरी हो रहा। जब मैं आधार लाया तो ये पैसे बच गए। अब ये जिनके पास, किसी न किसी के पास तो जाते होंगे 1 लाख करोड़ रुपया, जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे। अब मुझे बताइए कि मोदी के एक नियम के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT आधार बैंक अकाउंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम अगर बच गई तो देश का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। जिनके नाम से जा रही थी वो तो था नहीं, तो किसी बिचौलिए के जेब में जाती होगी कि नहीं जाती होगी, जाती होगी नहीं जाती होगी। तो हमारी योजना है DBT, उनकी योजना भी थी DBT। हमारी योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनकी योजना थी डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। अब मुझे बताइए, जो बिचौलियों के जेब में हर वर्ष 1 लाख करोड़ रुपया जाता होगा वो मोदी ने बंद कर दिया, तो वो मोदी मोदी करेगा क्या? वो मोदी जिंदाबाद बोलेगा क्या? वो उसको मोदी से गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? नाराजगी करेगा कि नहीं करेगा? अब ये नाराजगी से मुझे डरना चाहिए कि आप जैसे अच्छे नागरिकों के लिए काम करना चाहिए? तो मैं ये कर रहा हूं। मुझे वाहवाही की चिंता नहीं है, मेरे देश की वाहवाही हो जाए। और पहले जो बेंगलुरु के भाई ने पूछा था कि देश हमारा कैसे डेवलप कंट्री माना जाएगा, यही कदम है, यही रुपये पैसे हैं, डेवलप बन जाएगा। मैं भी चौकीदार नाम के इस कार्यक्रम में सीधा संवाद कर रहे हैं आप सबके साथ प्रधान चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला सवाल आ रहा है केंद्रपाड़ा ओडिशा से।
जी हाँ, वी आर कनेक्टेड। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ पूछिए भैया। जगन्नाथ जी का पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम स्वागत करता है। भारतवर्ष का महान चौकीदार आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा प्रणाम। मैं पवित्र परिडा, एक किसान होने के नाते मैं एक मछुआरा हूँ, तो ये जो चुनाव का गर्माहट पर हम सब चौकीदार आपका साथ है और हम सब चौकीदार के आपको क्या उम्मीद है, हम उम्मीद करती हैं कि और एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, वंदे वंदे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। देखिए, आपने कहा है कि चुनाव में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इतनी बड़ी तादाद में आए, इतने उत्साह से भरे हुए हैं, और वो भी उड़ीसा जैसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग ताकतवर नहीं मानते थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं उड़ीसा हिंदुस्तान को सरप्राइज कर देगा, ये दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा, इस बार उड़ीसा दूसरा त्रिपुरा बन जाएगा। मैं वहां जाके आया हूं पिछले दिनों, क्या लोगों का उत्साह उमंग है। देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनका संपर्क कीजिए आप, जिनको जीवन में पहली बार वोट देने का मौका मिला है। हमारे देश में बच्चा जब स्कूल जाता है पहली बार, तो आपने देखा वो घर के अंदर एक फेस्टिवल होता है, बड़ा उत्सव होता है, टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सब लोग उसको लेकर के स्कूल जाएंगे, गांव के अंदर भी, गरीब परिवार में भी, जैसे स्कूल जाना एक फेस्टिवल होता है। हमें हमारे देश में जो पहली बार मतदाता बनता है फेस्टिवल करना चाहिए, उमंग उत्साह उसका, क्योंकि वो देश का एक निर्णायक नागरिक बन रहा है, देश के निर्णयों में भागीदार बन रहा है। पहली बार मतदाता बनना यानी जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, एक बहुत बड़ी ताकत प्राप्त हुई है, ये उसको अनुभव कराना चाहिए। अगर मेरे सागे चौकीदार देश में फर्स्ट टाइम वोटर की प्रति, किसको वोट दे वो उनकी मर्जी पर छोड़ दीजिए, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि देश के फर्स्ट टाइम वोटर का मान सम्मान प्रतिष्ठा बननी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मैं उम्र के उस पड़ाव में पहुंचा हूं जहां मैं अब हिंदुस्तान के निर्णय करने का हकदार बन गया हूं। यह काम हम अवश्य करें। और दूसरा, एक तरफ जूट की फैक्ट्री चली है, रोज नए नए जूट प्रोडक्ट होते हैं, सत्य पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कीजिए। अब सत्य की जानकारी पानी है तो आप नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए, उसमें आपको तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध होती है, उस तथ्यात्मक जानकारी को आगे पहुंचाइए। आप देखिए, इस चुनाव के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन में आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तंदुरुस्त माहौल बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस काम को आप करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ उड़ीसा वासियों को जय जगन्नाथ। जी हाँ, आज आप सब यहाँ शामिल हैं, जो मैं भी चौकीदार कार्यक्रम का आप सब हिस्सा बने हुए हैं, हमें घर में भी आप सब देख रहे हैं, आप सब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ पहुँचे हैं, आखिरी सवाल का समय आ गया है, और आखिरी सवाल आएगा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से। अपना सवाल पूछिए प्लीज। जी बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जय हिंद। मेरा नाम कीपा मीत है। जय हिंद। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और इन चुनाव में फर्स्ट टाइम वोट डालने वाली हूँ,
सो आपको मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके अगले 5 वर्षों के लिए एजेंडा क्या है आपका, और मैं भाजपा को वोट क्यों दूं? अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, वहां देशभक्ति इतनी लबालब भरी हुई है कि आप वहां के नागरिकों को मिलेंगे तो आपको वो ग्रीट करते हैं जय हिंद से, जय हिंद बोल करके आपका जैसे हम नमस्ते बोलते हैं या राम राम बोलते हैं, वो जय हिंद बोलते हैं। ऐसी देशभक्ति से भरा हुआ एक प्रदेश है, और आप वहां जाएंगे तो प्रकृति तो है ही है लेकिन वहां के लोग भी इतने प्राणवान हैं। और मुझे खुशी है, मैं कल ही अरुणाचल प्रदेश में था और आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से भी अरुणाचल प्रदेश को से बात करने का मौका मिला है। आपने पूछा क्या फर्स्ट टाइम वोटर है, और साथ में ये भी पूछ लिया कि 5 साल क्या करोगे तब मैं वोट करूं। तो एक तो आपकी जागरूकता के लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात है कि हम झूठे वादों से बचने का प्रयास करेंगे, वरना चुनाव आते ही झूठे वादे करने की ऐसी, क्योंकि कुछ लोगों को पता है सत्ता में आने वाले नहीं है तो ये भी दे दो वो भी दे दो फलाना दे दो ऐसा करते रहते जी। मुझे बराबर एक कथा मालूम है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। एक संत महात्मा थे और बड़े तपस्वी माने जाते थे, उनकी अपनी एक बड़ी पहुंच थी, विदेश में किसी ने उनकी बड़ी तारीफ सुनी होगी तो उसको लगा कि चलो हम भी इनको गुरु बना दें। तो उसने पत्र व्यवहार किया, उनके चेले चपाटी उसको मदद कर रहे थे, वो हिंदुस्तान आया। अब वो भी बड़ा पक्का था, दुनिया के देशों का पानी पिया हुआ था। हाँ मैं तो वहीं आश्रम में कोई अच्छी रहने की व्यवस्था हो गई, आश्रम वालों को लगा बड़ा विदेश का है, धनी आदमी है तो 5 स्टार होटल बुक कर दिया उसके लिए और बड़ा अच्छा सूट बुक कर दिया, और वो मंदिर वाले पेमेंट दे रहे थे, ये रहता था। अब वो गुरु बनाने के लिए आया था, उसको गुरु की दीक्षा वगैरह वो विधि करनी थी, लेकिन ये बहता ही नहीं था, नहीं ऐसा करेंगे आज अच्छा नहीं कल करेंगे, और होटल में मौज कर रहा था। तो फिर वो संत समाज के लोग परेशान हो गए कि ये तो अपना खा रहा है कुछ करता नहीं है। एक बार भी उसको देखो भी आज लास्ट डे हैं, फिर गुरु महाराज 6 महीने तक मिलने वाले नहीं हैं, अगर आज ही तुम्हें यज्ञ वज्ञ कर करके पूजा पाठ करके बैठना है तो बैठ जाओ। तो उसका ठीक है, अब तो जाने की नौबत आई है तो चलो बैठ जाते हैं। तो बैठ गए, फिर जो गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु कान में मंत्र दिया, फिर ये चेले कहने गए अरे भाई तुम्हें दक्षिणा देनी चाहिए, उनको जरा कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। ये हिलता ही नहीं था, बड़ा खिलाड़ी था, विदेश से आया था, तो सारे दबाव डाले अरे भाई तुम्हें कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। 3 हफ्ते से होटल में मौज कर रहा था लेकिन वो दक्षिणा देने के तैयार नहीं था। फिर वो खड़ा हुआ आगे गुरुजी के कान में कह दिया उसने, फिर बैठ गया। गुरुजी लाल पीले हो गए, तो फिर तो खैर होटल चला गया। फिर चेलों ने पूछा अरे यार तुमने कोई दक्षिणा नहीं दी क्या? अरे क्या बात करते हो, मैंने दक्षिणा दी है। बोले क्या? बोले गुरुजी ने मेरे कान में कहा था कि तुझे मोक्ष दिया, तो मैंने जाके उनको कहा कि तुमको न्यूयॉर्क और वाशिंगटन दे दिया। तो ये जो चुनाव में इन दिनों वादे देने वाले लोग हैं वो बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो मेरी इन सब पहले मतदाताओं से कहना है कि ये जो बातें करते हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, उनके टैप रिकॉर्ड को मत सुनिए, क्योंकि किसी ने उनको फिट किया होता है चाबी भरी होती, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप देखिए इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने गरीबी के प्रति चिंता व्यक्त की थी, गरीबी दूर करने की बात कही थी, मैं 50-55 की बात कर रहा हूं। उसके बाद उनकी बेटी ने उसको आगे बढ़ाया, गरीबी को भी बढ़ाया और नारे को भी बढ़ाया। उसके बाद बेटी के बेटे ने बढ़ाया, उसने भी गरीबी बढ़ाई और नारा भी बढ़ाया, गरीबी बढ़ती है और नारा बड़ा होता जाता है। फिर बेटे की विड़ों ने रिमोट कंट्रोल से देश चलाया 10 साल,
उसने भी आगे बढ़ाया। अब उनके शाहजादे आए, वो भी चला रहे हैं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, अगर चार पीढ़ी एक ही विषय को बार बार बोलती जा रही है और करने में कुछ नहीं, तब नए मतदाताओं का काम है कि इस प्रकार का झूठ बोलने वालों को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा, आपने मुझे कहा कि मैं क्या करूंगा। पहला काम तो मैंने बीच में एक सवाल में कह दिया था कि कुछ लोगों को मैं 2014 में से 2019 तक जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। अब अंदर ले जाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। तो मैं आने वाले दिनों में दूसरा काम मेरा यह है कि देश को लूटने वालों के प्रति और ज्यादा कड़क होना और ज्यादा सख्ती बरतना, देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में ले जाना है, एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनना है, देश की शिक्षा को ग्लोबल बेंचमार्क से जोड़ने की दिशा में हमने कदम उठाने हैं। हमने पिछले 5 साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 साल जब मैं यहां आया तो मैंने कहा था कि मैं आया तो मैंने इतने गड्ढे देखे हैं पूरे अर्थतंत्र में, व्यवस्था तंत्र में, सब जगह पे मेरे 5 साल गड्ढे भरने में गए हैं। अब आने वाले 5 साल उसको भव्य इमारत के बनाने की दिशा में मुझे जाना है। दूसरा, गत पांच वर्ष आवश्यकताओं को पूरा करने को मैंने प्राथमिकता दी। टॉयलेट नहीं है उनको टॉयलेट दो, बिजली नहीं उसको बिजली दो, गांव में रास्ता नहीं वहां रास्ता दो, पानी नहीं वहां पानी पहुंचाओ, रोड नहीं, रेल नहीं, बस नहीं, एयरपोर्ट नहीं, जिसको जिसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास किया। 5 साल मेरा आवश्यकताओं की पूर्ति को बल देने वाला था। उसमें जो कमी रह गई है उसको पूरा करना है, लेकिन अगले 5 वर्ष का मेरा फोकस आकांक्षाओं को पूर्ण करने का है, एस्पिरेशंस को पूर्ण करना है, आपके ड्रीम्स को एड्रेस करना है। और इसलिए 5 साल मेरी पूरी ताकत, जो कमियां थी उसको दूर करना, जो बुराइयां थी उसको लड़ना, जो तत्कालीन आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करना, उसमें मैंने पूरी शक्ति लगाई है। और नेक्स्ट 5 ईयर जो आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे और मैंने डेट वाइज बताया हुआ है, इधर उधर की बात नहीं है। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने के लिए पक्का घर न हो। आजादी के 75 साल होंगे, मेरा सपना है हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना हो। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बैंक में जाना है तो इसके मूलभूत ये पहलू हैं जिस पर बल देना है। ऐसे अनेक सपने लेकर के हम चले हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। पूरा हो गया। जिस उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, आप सबका उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उस उद्देश्य को सफलता प्राप्त हुई है। अब तो कहना ही पड़ेगा, हर हर मैं भी चौकीदार। जी हाँ, आइए मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। हम सभी चौकीदार मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें, कल, आज और कल। आप सबका बहुत देश भर में सभी वरिष्ठ नेता भी समय निकाल करके आए,
इस कार्यक्रम में जान भर दी और चौकीदार स्पिरिट को हमने आगे बढ़ाना है। हर क्षेत्र में हर जिम्मेवारी को एक चौकीदार के नाते निभाना है और मुझे विश्वास है कि एक मतदाता के रूप में भी एक मजबूत सरकार बनाने की चौकीदारी भी आप करेंगे और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में सहयोग करेंगे। मैं फिर से एक बार आपके सहयोग के लिए, इस उमंग और उत्साह के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलेंगे गांव गांव में, गांव गांव में, गली गली में, हर घर में, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, ऑफिस में भी, घर में भी, गांव में भी, अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, देश दुनिया में चौकीदारी का मंत्र लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के प्रधान चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस संवाद में शामिल होने के लिए आप सब।